गार्डन में क्रिएटिविटी करते रहना हम गार्डनर की बहुत ही खराब आदत भी कह सकते हैं या फिर आप अच्छी आदत भी कह सकते हैं। जो नॉर्मल पौधा है उन्हीं पौधों को अच्छे अच्छे रूप में करना, शेप में बनाना, उसी को टोपियारी कहते हैं और अपनी दिमाग की उपज भी कहते हैं। जैसा अपने दिमाग में आइडिया आया उस शेप का पौधे को डाल दिए तो पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। जो लोग देखते हैं वो भी कहते हैं वाह कैसे बनाया, कैसे क्या किया, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं बहुत छोटा सा मिनी पिकॉक बनाने वाली हूँ। वैसे तो पिकॉक की टोपियारी हमारे पास बहुत सारी है, वैसे तो पिकॉक की टोपियारी मैं पहले भी बनाई हूँ, आपके साथ शेयर भी की थी। हाँ, बनाते हुए टोपियारी कैसे बनता है वो भले ही मैं शेयर की हूँ, लेकिन मेरे पास जो जेड के प्लांट है उनको केयर कैसे करना है, कैसे रख रखाव करनी है, कौन सी मिट्टी चाहिए, सारी चीजें आपके साथ शेयर की थी। इसलिए आज मैं मिनी पिकॉक बनाने जा रही हूँ और बहुत से छोटे से पॉट में, 3 से 4 इंच का ही पॉट है, बहुत छोटा है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। हाँ, तो पहले भी मैंने शेयर किया है कितनी पानी चाहिए। गेड प्लांट इस टाइम में डोरमेंस पीरियड में होता है, जो अभी ठंड का जो 3-4 महीने का जो टाइम होता है ना, इस टाइम में जेड प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता है। और जो छोटी सी नन्हे पॉट में जो हमारा जेड प्लांट ग्रो है, 3 से 4 इंच का है पॉट, आप देख रहे हैं प्लांटर का साइज कितना छोटा है। और बहुत ही आसानी से इसमें कुछ जेड की कटिंग मैंने डाली थी और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो गई। ये देख रहे हैं रूट नीचे तक फैली हुई है अच्छी तरीके से। तो इसे आज मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, एक छोटी सी मिनी पिकॉक बनाकर, और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये पौधा जो है, ये देखिए नीचे से एक कटिंग डली थी, इसमें भी कितनी अच्छी रूट आ गई है, बहुत ही अच्छी रूट इसमें हो जाती है। बस ध्यान रखिए कि इसमें ओवर वाटरिंग कभी भी ना करें। हाँ, पानी इतना डालिए जितना पौधे को जरूरत हो, लेकिन इतना ना डालिए कि इसकी जड़ें गल जाए, क्योंकि ये भी एक तरह का सकुलेंट ही होता है। और इस पौधे को मैं सोच रही हूँ कि मिनी पिकॉक बनाऊं, तो जैसा पौधा होता है ना उस तरीके का आइडिया सोचना पड़ता है कि इसका पौधा का बनेगा क्या। मिनी पिकॉक बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरीके का एल्युमिनियम का वायर ले रही हूँ जो आसानी से मुड़ जाते हैं, और मुझे पिकॉक बनानी है ना, तो इससे पहले मैं पिकॉक के शेप में तार को मोड़ दूंगी, ताकि जो पौधे के साथ इसको ज्वाइंट करूं, ताकि वो आसानी से वो ज्वाइंट हो जाए। इस तरीके से देखिए हमने ये पिकॉक बनाकर ये तैयार कर दिया है। बिल्कुल लग रहा है ना, ऊपर से ये गर्दन बन गई है और नीचे पेट बन गया है, और नीचे से ये इस तरीके से गर्दन पूरी, आगे का हिस्सा पूरा ही मोर का ये बनकर तैयार हो गया। ऐसा ही तार लीजिए जो आसानी से मुड़ जाए और फ्लेक्सिबल हो। और ये जो नीचे वाला भाग जो मैं बनाई हूँ ना, देखिए बिल्कुल पिकॉक जैसा, और जो नीचे वाला जो यही बनाई हूँ, ये मिट्टी में दबा देंगे तभी तो ये जो शेप है ना वो खड़ा रहेगा आसानी से। और इस तरीके से इसको मिट्टी में इस तरह से डाल देंगे, इसको इस तरीके से मिट्टी में हम दबा देंगे, और ये जो पौधा प्लांट है ना इसकी जो डाली, इसको इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बांधेंगे किसी तार की सहायता से या फिर किसी रस्सी की सहायता से। तो मैं यहाँ पर बांधने के लिए ले रही हूँ बहुत सी पतली सी तार, देखिए बहुत ही पतली है। पतली तार मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि जो इसका वाइंडिंग जो करूँ ना, वो लोगों को दिखे नहीं कि किस चीज से बंधा है। तो सबसे पहले मैं नीचे इसको बांध देती हूँ अच्छे तरीके से तार से, ताकि नीचे जो तार और पौधे के साथ बांधू ना, उसके बाद तार को इस तरीके से लपेटते हुए हम इसको ऐसे कर्व करते जाएंगे, जैसे हमारा तार है ना उसी तरीके से इस टोपियारी का भी इस तरीके से हम शेप करते जाएंगे, तो बहुत ही खूबसूरत टोपियारी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि अभी पौधा हमारा डोरमेंसी में है तो बहुत सारे पत्ते इसमें नहीं है, पत्ते झड़ जाते हैं, क्योंकि हमने रखा भी कुछ ऐसे ही जगह जहां हमारी धूप नहीं आती। अब बहुत सारे प्लांटर होते हैं ना, तो हर बार इधर उधर शिफ्ट करना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और इसको इस तरीके से यहीं पर कर देंगे फोल्ड, ताकि ऊपर जो बढ़ेगा ना तो ऊपर से हम इस तार को यूज कर लेंगे। और ये जो है डाली नीचे, उसको इस तरीके से नीचे कर देंगे ताकि जब ये घना हो ना तो इसकी अच्छी सी पूंछ बनकर तैयार हो जाए। लग रहा है ना बिल्कुल मिनी पिकॉक बन गया ना। आप अपने दिमाग से बहुत सारे क्रिएटिविटी आइडिया कर सकते हैं कौन सा शेप में बनाना है, लेकिन जेड प्लांट की जो टोपियारी होती है ना वो बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसकी जो डालियां होती है वो बहुत सारी फ्लेक्सिबल होती हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाती है। बस ये 3-4 महीने का छोड़ दीजिए तो ये सालों भर ग्रो करती है और बहुत ही आसानी से लग भी जाती है, बहुत ज्यादा केयर भी नहीं है। अगर आप 10 दिन छुट्टी पे भी चले गए तब भी इस प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक सकुलेंट का पौधा है ना,
तो इसे पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। और जिस तरह से पूंछ इसके नीचे जाएंगी तो बहुत ही सुंदर पीकॉक का डिजाइन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।